बेगूसराय में हल्की बारिश से ही शहर की सूरत बिगड़ जाती है। मंगलवार की शाम से बारिश रुक रुक कर होने के बाद भी कई सड़कों व मोहल्ले में जल जमाव से लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर के जीडी कॉलेज के पास बने जर्जर सड़क पर अभी भी घुटनों भर पानी भरा हुआ है, जिससे राहगीरों व स्थानीय दुकानदारों को काफ़ी फजीहत हो रही है। राहगीर गिर कर घायल हो रहे हैं, लेकिन उस सड़क की मरम्मत नहीं हो रही। वहीं मोहल्ले की बात की जाए तो जागीर मोहल्ला लालू नगर का हाल भी खस्ता है। यहां नाले का निर्माण नहीं होने से जल निकासी नहीं हो पाती, जिससे मोहल्ले के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जबकि वार्ड 31 के पार्षद मेयर है, इसके बाद भी नाले का निर्माण वर्षों से बंद है। आदमी गिरता है, पड़ता है, हाथ पैर टूटता है और क्या कहेंगे। सामने का नजर है, सामने में देखिए, क्या बोलेंगे। आदमी समझता ही नहीं है, क्या कहेंगे। बोलते बोलते मुंह थक गया और क्या बोले। आदमी आता देखता है, गिरता है, सब देख रहा है, समझ रहा है, इसके बावजूद भी कोई काम नहीं होता। इसकी शिकायत आप नगर निगम या यहाँ नगर निगम क्या कहेंगे। हम आदमी देख रहा है, नगर निगम क्या समझेगा। यहाँ के कंडीशन तो बहुत खराब है इसका। जब भी बारिश यहाँ पे होता है, समझे, मैंने यहाँ के स्कूल के बच्चे या हमारे यहाँ के आदमी जब गुजरता है यहाँ जरूर गिरता है। हम अपने आंखों से यहाँ देखते हैं, मेरा सैलून है यहाँ पर, ठीक है, डेली देखते हैं। बच्चे किसी एक बच्चा गिर गया था, सरकार बन गया था, समझे, किधर में भर्ती हुआ। और डेली मतलब यहाँ कोई ना कोई मतलब गिरता ही है। यहाँ का इतना कंडीशन खराब हो गया है, मतलब आने जाने में बहुत परेशानी होता है। मेरे सैलून को बहुत फर्क पड़ा है, मेरा दुकानदारी मतलब यहाँ पे ठप पड़ गया है। देखिए, रोड का नाली चाहिए तो चापा करने हैं। हम लोग का अभी तक जमीन रसीद नहीं काटा, इसके वजह से बोलता है घर आप लोग का नहीं बनेगा, ये रोड में नाली नहीं बनेगा। जब तक रसीद नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा ये रोड में। आई यहाँ का आदमी कहना, हम लोग का सब चीज चाहिए। इधर आए तो ये मोहल्ला वार्ड नंबर 31 में आता है, जो कि हमारे वार्ड परिषद और मेयर साहब दोनों उपेंद्र सिंह है। उन्होंने आश्वासन दिया था उनके मेयर बनने से पहले कि जैसे ही मैं मेयर बनूंगा, मेरा सर्वप्रथम काम इस गली और मोहल्ले का रोड और नाला बनवाना होगा। लेकिन उनके मेयर बनने के साल भर के बाद भी आज तक इस रोड और नाले का कोई काम नहीं किया गया, जिससे पूरे मोहल्ले वाले स्थिति ये है। आप सड़क का जरा सा वीडियो लीजिए कि घुटने भर तक पानी पूरा जमा है, चारों तरफ लोग गंदगी में व्याप्त है, ना तो कोई सफाई वाला ढंग से साफ करने आता है और पानी तो जमा 15 दिन 20 दिन एक महीने से इस तरीके से पड़ा रहता है कि लोग मर जाए तो मर जाए, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है।